इम्पैक्ट अकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम बात करेंगे, जेनेटिक्स में, आनुवंशिकी में, इसमें बात करेंगे जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी है क्या, ये भी जानना है आपको कि आनुवंशिकी है क्या। इसको हेरिडिटी भी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, हेरिडिटी, हेरिडिटी। आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से हम देखते हैं जो हेरिडिटी के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखोगे जो जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी है, तो हम नॉर्मली देखते हैं आनुवंशिकी है क्या कि आनुवंशिकी है क्या, तो हम देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, लक्षणों का स्थानांतरण। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, लक्षणों का स्थानांतरण। पीढ़ी, लक्षणों का स्थानांतरण। आनुवंशिकी कहलाता है, क्या कहलाता है, आनुवंशिकी। अच्छी बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आनुवंशिक कहलाता है। लक्षण क्या होते हैं, ट्रेड्स, क्या होते हैं, ट्रेड्स। पीढ़ी क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन, मतलब क्या है, जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक है जो लक्षण जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं, ठीक है। जनरेशन कैसे, जैसे आपके पिताजी से आपके कोई लक्षण गए और आपके लक्षण है वो किसे, अगले जनरेशन में चले गए, आपके बच्चे में चले गए। मानो दादाजी के लक्षण है, दादाजी के लक्षण है वो पिताजी में आए, और पिताजी के लक्षण है, पिताजी के लक्षण वो बेटे में चले गए, और बेटे के लक्षण है बेटे के बेटे में चले गए। बेटे के लक्षण किस में थे, बेटे के बेटे में, इसके बेटे में चले गए, ठीक है। क्या दादाजी के भी लक्षण है यहाँ पर आते हैं, इस दादाजी के, जीवित भी नहीं था और ताकि मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी, पोता भी ये, बेटा भी ये कह रहा है मैंने तो दादाजी की शक्ल भी नहीं देखी, और बेटे के बेटे में भी इसके लक्षण दिखे, ताकि इसके तो बाल घुंघराले हैं, बाल घुंघराले हैं, या कड़े बाल है, बिल्कुल कड़े बाल हैं, कई बार बोलते हैं कहा कि कड़े बाल हैं बेटे के बेटे में, कड़े बाल, मजबूत बाल है, ताकि इसके तो बाल है, कई बार मजाक में भी बोल देते हैं कहा कि इतने मजबूत बाल, कई ऐसे मजाक में बोलते हैं जैसे पशु जैसे बाल है, कई बोलते हैं सूर जैसे बाल है, तो वो क्या है, थोड़े से मजबूत बाल होते हैं। तो हम देखते हैं वो कैसे हुए, तो ऐसे लक्षण कैसे आए, वो होते हैं कुछ रिसेसिव लक्षण। क्या होते हैं, रिसेसिव लक्षण, एक तो होते हैं प्रभावी लक्षण, समझना, प्रभावी लक्षण, और एक होते हैं अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण को हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स, डोमिनेंट ट्रेड्स, और अप्रभावी लक्षण को हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेड्स। रिसेसिव ट्रेड्स, जो प्रभावी लक्षण है वो बिल्कुल अगली पीढ़ी में, एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाए, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाए, अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाए, पीढ़ी में दिखाई दे जाए, दे जाए। तो वो कौन से होते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं, कौन से हैं, प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण में हम देखते हैं पीढ़ी से
एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाए वही क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण। तो हम देखते हैं जो प्रभावी लक्षण है बिल्कुल अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाए तो वो कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो वो है जैसे गंजापन। देखो गंजापन है वो हंसी वैसे ही आ गई, कभी ऐसे गंजे की कभी हंसी ना करो, लेकिन हंसी भी आप करो तो ऐसा हो कि आपकी पीढ़ी में ऐसा ना हो, ठीक है, ये भी शुक्र बनाओ। तो आप देखो गंजापन है वो दो रूप से आता है, दो रूप से गंजा आता है। तो पहले रूप से कैसे, पहले रूप से तो सिर के अंदर है कवक लग जाए, फफूंदी लग जाए, उसकी वजह से भी गंजा हो सकता है। दूसरा है पीढ़ी में ही हो, पीढ़ी दर पीढ़ी। आपने देखा हो कईयों के पिताजी के बाल इतने उड़ गए तो उसके भी इतने ही उड़ जाते हैं, गंजापन है। तो गंजापन है वाई गुण सूत्र पर जीन आता है, वाई गंजापन क्या है, वाई गुण सूत्र पर जीन, वाई गुण सूत्र पर जीन है, तो इसकी वजह से व्यक्ति गंजा होता है, ठीक है। और लड़कों में ही मिलता है, देखो वाई गुण सूत्र एक्स वाई है वो किस में मिलता है, लड़कों में ही मिलता है, इसीलिए लड़के ही गंजे होते हैं, लड़कियां गंजी नहीं होती। क्यों? क्योंकि किस पर आया है, वाई गुण सूत्र पर ही जीन आया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी में दिखाई न देकर, एक पीढ़ी में दिखाई न देकर, दिखाई न देकर, दिखाई न देकर अगली पीढ़ी में दिखाई दे, अगली पीढ़ी में दिखाई दे, अगली पीढ़ी में दिखाई दे, अगली पीढ़ियों में दिखाई दे, दिखाई दे। जैसे मानो पिताजी है, मानो माताजी और पिता लंबे हैं, लंबे हैं, और संतान है बोनी पैदा हो जाए, संतान क्या हो जाए, बोनी, संतान क्या है, बोनी है। तो संतान बोनी है तो वो कैसे हुई, तो कुछ दादा के परदादा के दादा के कोई बोने रहे होंगे उस समय पर ऐसा हो गया होगा, इसी वजह से संतान भी क्या हो गई है, बोनी हो गई है। तो इसलिए वो एक पीढ़ी में दिखाई न देकर उससे अगली पीढ़ियों में दिखाई दिए हैं, वही क्या होते हैं, अप्रभावी जीन होते हैं। कौन से होते हैं, अप्रभावी। देखो अभी मैंने, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, आनुवांशिकी क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। और मैंने बताया लक्षणों का स्थानांतरण, वो लक्षण है वो दो प्रकार के हैं। लक्षण कितने प्रकार के, लक्षण दो प्रकार के हैं, लक्षण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो मैंने एक उदाहरण बताया कि दादा से पिता में चले जाए सीधे, पिता से बेटे में, बेटे के बेटे में चले जाए लक्षण, तो ये तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, वो तो होते हैं हमारे प्रभावी लक्षण, वो तो होते हैं हमारे प्रभावी लक्षण, ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या है, अप्रभावी लक्षण, एक पीढ़ी में दिखाई न देकर अगली पीढ़ियों में, जैसे दादा में कुछ लक्षण है और बेटे के बेटे में दिखाई दे गए, वो क्या हो गए, अप्रभावी लक्षण। उसी को हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट्स, वो क्या हो गए, एक पीढ़ी ने छोड़कर उससे अगली पीढ़ियों में दिखाई दे जाते हैं, वही क्या होते हैं हमारे रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, दबे हुए। रिसेसिव का मतलब दबे हुए थे, और डोमिनेंट मतलब सबसे प्रभावी, ठीक है। तो हम देखते हैं जो अगला पॉइंट है, जो आनुवांशिकी थी इसके बारे में और लक्षणों के बारे में ऐसा किसने बताया। देखो ग्रेगर जोन मेंडल ने कुछ लंबे पौधे लिए थे और कुछ बौने पौधे लिए थे, उसे अगली पीढ़ी में सारे के सारे लंबे और बौने पौधे का आपस में संकरण करवाया और अगली पीढ़ी में सारे के सारे लंबे मिल गए। उसको ये पता चला कि ये तो कमाल हो गया भाई, लंबे के लंबे पौधे मिलने कैसे मिले, बौने पौधों के साथ में संकरण करवा दे, संकरण मीन्स क्या, क्रॉसिंग करवाई, ठीक है, जैसे पशुओं में क्रॉसिंग करवाते हैं। तो इस रूप से, तो क्रॉसिंग करने के बाद में उसको पता चला ये तो कमाल हो गया, तो कहा कि जो लंबापन है, जो लंबापन है वो क्या है, प्रभावी लक्षण है। क्या है, प्रभावी, प्रभावी लक्षण है वो हमारा अगली पीढ़ी में दिखाई दे गया, ठीक है। और जो बोनापन है वो अप्रभावी लक्षण है, वो एक पीढ़ी में दिखाई नहीं देखा, फिर उससे अगली पीढ़ियों में देखा गया, तो ग्रेगर जोन मेंडल को क्या मिला कि एक तो क्या था, बोना पौधा और तीन थे लंबे, 1:3 मिला। कहा कि बोना होना क्या है, रिसेसिव है, दबा हुआ लक्षण है, और एक अगली पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया, उससे अगली पीढ़ी में दिखाई दे गया, तो इसी को हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है, आया बात ध्यान में। अब आप देखो, अब देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कई बार आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन,
कि अनुवांशिकी के पिता कौन है, अनुवांशिकी के पिता कौन है, अनुवांशिकी के पिता कौन, अनुवांशिकी के पिता की बात की जाए, पिता की बात की जाए, अनुवांशिकी के पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के पिता, ठीक है। और अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल है, तो इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर शोध किया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने इन्होंने मटर के पौधों पर अनुसंधान किया, इन्होंने मटर के पौधों पर अनुसंधान किया, पौधों पर अनुसंधान किया, मटर के पौधों पर अनुसंधान किया, रिसर्च किया, वो मैं आगे बताऊंगा भाई कैसे रिसर्च किया, अनुसंधान किया, वो सारा का सारा अलग है, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधे पर अनुसंधान किया, ठीक है। तो अब देखो, अनुवांशिकी के पिता हो गए ये, जेनेटिक्स फादर हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, जेनेटिक्स क्या हो गए, फादर हो गए। अब हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के अन्य क्या क्या चीजें की ग्रेगर जॉन मेंडल ने। देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के अलावा कुछ ये भी बताया कि ये कुछ ना कुछ हमारे जीन होते हैं, और जीन ही गुणसूत्र की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो हम देखें अनुवांशिकी में, हम बात करें अनुवांशिकी में बात करें तो मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मानव में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र मतलब क्या है? क्रोमोसोम्स। क्या है? क्रोमोसोम्स। 40 गुणसूत्र है, 23 जोड़े मींस क्या है? पेयर। पेयर मींस क्या है? क्रोमोसोम्स, ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मानव में कितने हैं? 23 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? तो हम देखते हैं मानव में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र में सबसे छोटी इकाई क्या है? क्रोमोसोम्स में गुणसूत्र में सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन है। सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन। छोटी इकाई जीन। क्या है? जीन। जीन वो जीन नहीं है, कभी वो समझ रहा हो कोई भूत प्रेत जीन, छोटी इकाई क्या है? जीन होती है। गुणसूत्र में सबसे छोटी इकाई जीन होती है, ये बात सही है। और क्या खास बात है जीन के बारे में और गुणसूत्रों के बारे में? देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये बताया कि जो जीन है वो कुछ प्रभावी जीन होते हैं और कुछ क्या होते हैं? अप्रभावी जीन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो प्रभावी जीन होते हैं, प्रभावी जीन मतलब डोमिनेंट जीन प्रभावी जीन प्रभावी लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए है? प्रभावी लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, लक्षणों के लिए जिम्मेदार, मतलब प्रभावी जीन हो गए तो अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाएंगे। और अप्रभावी जीन है, जो अप्रभावी जीन है रेसेसिव जीन होते हैं, रेसेसिव जीन, रेसेसिव मतलब दबे हुए थे, रेसेसिव जीन अप्रभावी जीन अप्रभावी लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? अप्रभावी लक्षणों के लिए जिम्मेदार, लक्षणों के लिए जिम्मेदार, के लिए जिम्मेदार। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बात है, हमको पता चल गई कि अनुवांशिकी के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों पर ही अनुसंधान किया, ये बात पता चल गई है। क्यों किया वो हम आगे जानेंगे। मानव में कितने हैं? 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों में सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन होती है। और प्रभावी जीन है वो किसके लिए? प्रभावी लक्षणों के लिए, मतलब डोमिनेंट ट्रेट्स के लिए जिम्मेदार है। और अप्रभावी जीन किसके लिए? अप्रभावी लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। इतना आपको ध्यान करना है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अगला पॉइंट, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, जितने भी आप बात करोगे ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, या हम बात करेंगे जब आगे वाटसन क्रीक की बात करें, तो सभी के सभी ने गुणसूत्रों के बारे में बताया, और गुणसूत्रों में अलग अलग इकाइयों के बारे में बताया। लेकिन गुणसूत्रों में सबसे बड़ी जो चीज है वो डीएनए है। वर्तमान में भी डीएनए पर बहुत ही ज्यादा शोध हो रहे हैं, और डीएनए में यह भी शोध हो रहा है कि डीएनए को ये देखना कि
किस कोशिका का किस अंग पर किस रूप से डीएनए की पूरी संरचना है। अभी तक मानव पर जो शोध हो रहे हैं तो मानव का पूरा शरीर का डीएनए नहीं बना है, मानव का अभी भी उस पर शोध चल रहा है। यदि ऐसा हो जाता है, यदि ऐसा हो जाता है तो क्रांति आ जाएगी बायोलॉजी में। क्रांति, क्रांति का मतलब क्या है, क्यों कह रहा हूं मैं क्रांति आ जाएगी, क्योंकि हमें हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी रोग होगा तो वहां पर ही उसका इलाज हो सकता है और उसी के लिए स्पेशल दवाई बनाई जा सकती है, मतलब अच्छी तरह से, ठीक है। अब ऐसी भी आपने ध्यान किया हो, अब ऐसे भी शोध चल रहे हैं कि व्यक्ति है, व्यक्ति किस जीन के कारण बूढ़ा होता है उस जीन को ही बदल देंगे, ठीक है, तो बूढ़ा ही नहीं होगा व्यक्ति। एक तो ऐसे शोध चल रहे हैं, एक ऐसे शोध चल रहे हैं जैसे व्यक्ति में जो बूढ़े करने के लिए कुछ हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल को बढ़ने ही ना दे, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बोलते हैं उसको, उसको बढ़ने ही नहीं दे, उस पर भी शोध चल रहा है। तीसरे नंबर पर शोध चल रहा है, जैसे अभी ये भी शोध चल रहा है कि कुछ ऐसी दवाई बनाई जाए जैसे हमारे चोट लगी है कोहनी पर, कोहनी पर ही वह काम करे। ऐसे नहीं कि आप देखो दर्द की चोट लेते हो, आप दर्द की दवाई लेते हो दर्द की दवाई लेते हो तो दर्द की दवाई में, दर्द की दवाई पूरे शरीर पर काम करती है, किस पर, पूरे शरीर पर काम करती है। और अब ऐसा सोच चल रहा है कि पूरे शरीर पर काम न करके केवल उसी हिस्से पर काम करे जहां पर हमारे चोट है, तो इस तरह से। और डीएनए पर पूरा का पूरा हमारे पूरे बॉडी का डीएनए की संरचना बन जाए, स्ट्रक्चर बन जाए, तो हमारे इसमें बायोलॉजी में क्रांति आ जाएगी। तो हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में बता रहा था कि गुणसूत्र जो होते हैं, 23 जोड़े जो बात की थी हमने, गुणसूत्र 23 जोड़े हैं जो, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, गुणसूत्र प्रोटीन व डीएनए के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन व डीएनए के बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। तो ये डीएनए के बने तो होते हैं, ये कौन है डीएनए, ये भी हमको जानना है। डीएनए है, डीएनए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए किसके बने होते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसके अंदर क्या होता है, राइबोस डीऑक्सीराइबोस होता है, और यह क्या होती है, शर्करा होती है, ठीक है। मतलब प्रोटीन है, और हम देखें शर्करा से ही हमारा गुणसूत्र बने होते हैं, जो हमें देखो हमारे शरीर की पूरी पूरी जो संरचना है वो किससे जुड़ी हुई है, गुणसूत्र से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर के अंदर जो गुण है वो सारे किससे जुड़े हुए हैं, गुणसूत्र से। इसलिए आप देखो हिंदी में इसका नाम जो लिख दिया हमने, इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम, और लेकिन हिंदी में हमने किससे नाम बना दिया, क्योंकि हम गुणसूत्र ही बोलते हैं, तो इसलिए हमने अपने अनुसार ही नाम बनाया भारत के अनुसार। हिंदी में क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, मतलब गुण है वो इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। गुस्सा आना, कोई व्यक्ति गुस्सेल होता है वो किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्र पर निर्भर। कोई अपराधी है, कोई अपराधी बन जाता है तो क्या गुणसूत्र पर निर्भर करता है, नहीं, गुणसूत्र पर निर्भर नहीं करता। अपराधी निर्भर करता है उसके फ्रेंड सर्कल पर, माता पिता पर कैसा व्यवहार है, इन बहुत सारी चीज़ों से निर्भर करता है, ठीक है। तो लेकिन हम बात करते हैं जो किसी व्यक्ति को गुस्सा आना, शांत स्वभाव का होना, वो सारा क्या है, गुणसूत्र पर निर्भर करता है। जैसे आपने कई बार ये बोल देते हैं, ये तो अपने दादा पर गया है इतना गुस्सेल, पिताजी पर गया है इतना गुस्सेल, तो वो क्या है, गुणसूत्र पर निर्भर करता है। कभी ऐसा बोला गया है, कई बार ऐसे लोग बोल देते हैं, आप तो चोर हो, आपके पिताजी के पर गए हो, बिल्कुल आपका पिताजी भी ऐसे ही था, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि चोर है वह किसी का भी पुत्र बन सकता है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि उसके पिताजी चोर है तो वह पिताजी चोर है तो उसका पुत्र भी चोर बनेगा, तो इसलिए यह कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई पिताजी यदि चोर है तो उसका बेटा भी चोर होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। कई बार हम ये देख लेते हैं, कई बार किसी के पिताजी अपराधी श्रेणी में हो या चोर की हो या झूठ बोलते हो, इस रूप से बोलते हैं, तो ये सारा है वो इन्वायरमेंट से सीखता है,
तो इससे बच्चे को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब बच्चे को ऐसा ही नहीं मानना चाहिए। जो दृष्टिकोण है समाज का ऐसा होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट से सीखे हैं, समाज से सीखा है, उसके लिए समाज दोषी है, तो समाज को बोलना चाहिए। तो उस लड़के को भी ये बोलना चाहिए कि आप कहाँ थे जब मेरा पिताजी है ऐसे शुरू से ये प्रवृत्ति करता था, तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए आपने देखा होगा कई अपराधियों के बेटे हैं बहुत ही सक्सेस होते हैं, पढ़ाई में भी बढ़िया रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कईयों के बढ़िया परिवारों से लड़के हैं वो भी अपराधी बन जाते हैं। कईयों के ये भी होता है कि मानो कोई बिल्कुल बढ़िया मास्टर हो उसका पुत्र ही अपराधी बन जाए, ठीक है। तो ये कुछ कह नहीं सकते, मतलब पूरा बढ़िया संदेश देता हो सारी बार क्लासों में बोल कि ये, और उसका पुत्र ही बदमाश है, बंदूक उठाए कट्टा उठाए घूमे, तो ये कोई निर्भर नहीं करता। इसके लिए वो गुणसूत्र जिम्मेदार नहीं, उस पर डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर, ठीक है। और माता पिता पर क्यों डिपेंड करता है? माता पिता भी बोला था मैंने, क्योंकि उसका ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो ध्यान है वो देखना पड़ता है, इन्वायरमेंट का माता पिता से भी ज्यादा रोल रहता है इन्वायरमेंट पर। इसलिए मैंने सबसे पहले इन्वायरमेंट शब्द बोला। इन्वायरमेंट मीन्स क्या है? जो उसका पर्यावरण में, उसके आसपास में रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं गुणसूत्रों में, डीएनए में। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, इसी की जो इसकी खोज की डीएनए की, जो सबसे पहले डीएनए की खोज सबसे पहले की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक मिशर ने, एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर, तो उसने की थी। और कहाँ से की थी फ्रेडरिक मिशर ने? पश कोशिकाओं में की थी। फ्रेडरिक मिशर ने किससे की थी? पश कोशिकाओं से की। पश कोशिकाएं क्या होती है? पश सेल होती है। क्या है? पश सेल। क्या होती है? पश सेल से की थी, ठीक है। पश कोशिकाओं से की, ठीक की, ठीक है। डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने पश कोशिकाएं से की, कोशिकाओं से की, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, कोशिकाओं से की, सेल्स, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर ने की। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है डीएनए की द्विकुंडली संरचना मीन्स क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वो किसने दिया था? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर द्विकुंडली संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने, दो वैज्ञानिक थे, वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। वो 1900 लगभग है, इन्होंने 1953 के आसपास इन्होंने यह संरचना दी थी, और 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। तो आप ये देखो 1953 के आसपास इन्होंने खोज किया, और 9 साल बाद 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब डीएनए के बारे में लोगों को कुछ भी इतना पता नहीं था। डीएनए के बनने के बाद में उसका कोड बनाने की बात आई। कोड का, इसका कोड कैसे होगा, ठीक है, उसको बोल देते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं पता है पूरे हमारे बॉडी का, लेकिन सबसे पहले जब शुरुआत कर दी थी वो कर दी थी हरगोविंद खुराना ने। किसने कर दी थी? हरगोविंद खुराना है, वो भारत का था, लेकिन वो फिर विदेश में चला गया था। हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ने सबसे पहले आनुवंशिक कुट के बारे में बताया। आनुवंशिक कुट क्या होता है? जेनेटिक कोड। अनुवांशिक कुट के बारे में बताया। इससे यह पता चल जाता है व्यक्ति का डीएनए का, ऐसे पता चल जाता है कि कहां पर कैसी संरचना है, कैसा स्ट्रक्चर है। यह सारा सिस्टम अनुवांशिक कुट से ही पता चलता है। देखो मैंने आपको बताया जो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन क्रिक ने दिया, वो कैसा होता है? वो इस तरह का होता है, इस रूप से। थोड़ा सा हम सुंदर बना लेते हैं इसको, ये तो बिल्कुल ही
भैंस आ गया, शिव कुंडली सर्चना है ना, इसको सुंदर बनाते हैं थोड़ी सी सुंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं डीएनए की सर्चना, द्वि कुंडली सर्चना ऐसे होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो जुड़ा होता है एडिनिन थाइमिन के साथ में, और ग्वानिन है वो जुड़ा होता है साइटोसिन के साथ में। एडिनिन किसके साथ में जुड़ा होता है, थाइमिन के साथ में, और ग्वानिन किसके साथ में जुड़ा होता है, साइटोसिन के साथ में। मतलब एडिनिन है जो, एडिनिन है, एडिनिन है, वो किसके साथ में जुड़ा है, ग्वानिन थाइमिन के साथ में, थाइमिन के साथ में। और क्या है ये, डबल बॉन्ड है, द्व्यूबंद है, किससे जुड़ा है, द्व्यूबंद से जुड़ा हुआ है, द्व्यूबंद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ग्वानिन है, ग्वानिन, ग्वानिन इंग्लिश में भी ग्वानिन बोलते हैं, ये साइटोसिन के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, त्रिबंध से, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड से, त्रिबंध से जुड़ा होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर होता है डबल बॉन्ड, इनके बीच में क्या होता है, एडिनिन और थायमिन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, और ग्वानिन व साइटोसिन के पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आई बात ध्यान में सभी को। अब देखो आप ये कहोगे कि सर ये बताओ मास्टर जी, ये बताओ कि एडिनिन है वो थायमिन के साथ में, ग्वानिन है साइटोसिन के साथ में जुड़ा, और वो कैसे आया, ये मामला कैसे हुआ, हमको थोड़ा सा जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। देखो जो डीएनए है, जो डीएनए हमारा डीएनए, इसके अंदर अक्षार होते हैं, अक्षार, और अक्षार में हम देखते हैं, एक तो हम याद करते हैं प्यूरिन से, किससे याद करते हैं, प्यूरिन से, प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन, एक क्या होता है, पिरिमिडिन होता है, क्या होता है, पिरिमिडिन होता है, एक तो प्यूरिन होता है और क्या होता है, पिरिमिडिन होता है, पिरिमिडिन है और प्यूरिन है। तो हम देखें जो प्यूरिन है, प्यूरिन उसमें ए और जी होते हैं, क्या होते हैं, ए और जी, मतलब है एडिनिन और क्या होता है, एडिनिन और ग्वानिन होता है, एडिनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन में क्या होता है, पिरिमिडिन में, पिरिमिडिन में होता है हमारा, यहां पर तो हो गया ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, तो ये ध्यान रखना ए जी शुरू में क्या आएगा, ए जी, और उसके बाद में ए जी तो हो गया हमारा, तो यहां पर क्या आएगा, साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन, ये बात ध्यान रखना, यहां पर क्या है, साइटोसिन, साइटोसिन है, और यहां पर क्या है, थायमिन है, यहां पर क्या है, थायमिन, थायमिन है, ठीक है। पिरिमिडिन में तो हमारा थायमिन और साइटोसिन आ गया, और प्यूरिन में क्या हो गया, एडिनिन और ग्वानिन आ गया। और हम देखते हैं यहां पर एडिनिन और थायमिन है, ये पहले जुड़े होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन है, ये नीचे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं द्व्यूबंध से, डबल बॉन्ड से, और जो नीचे है साइटोसिन वो जुड़े होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। एक बार बना लो फिर हम आगे करेंगे, एक बार बना लो,
लिख लिया होगा आपने। आगे शुरुआत करते हैं हम। देखो साइटोसिन और हो गया था हमारा ये साइटोसिन और थायमिन, दिख रहा है आपको ये सही? मैं यही देख रहा था अभी, ये कभी दब तो नहीं गया है तो सही दिख रहा है, थायमिन है ये, तो ये टी है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। अब देखोगे आप आगे, जो एडिनिन होता है और गुआनिन होता है हमारा, साइटोसिन है, और ये सारे के सारे हमारे क्या है, अक्सार है। लेकिन हम देखेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कभी पूछा जाएगा बिल्कुल हाई लेवल का यदि पूछा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एडिनिन और मैंने बताया था जो ऐसे स्ट्रक्चर बताया था, तो बस कभी बिल्कुल ही हाई लेवल में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो बस इतना ही पूछा जा सकता है, थोड़ा सा बता दूं, वरना बहुत ही कम चांस है कि आपसे पूछे। लेकिन मैं फिर भी बताना चाह रहा हूं आपको कि जो एडिनिन है और वो जुड़ा होता है थायमिन से, और गुआनिन है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है, इस रूप से ऐसे जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा, और यहां पर जुड़ा होता है। तो यहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, दो हाइड्रोजन बंध। और यहां पर तीन हाइड्रोजन बंध होते हैं, बस। ज्यादा ही पूछा जाए तो इतना ही पूछा जा सकता है, और ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तीन हाइड्रोजन बंध। अब देखो और क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है आपके जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी की खोज की थी जो ग्रेगर जोन मेंडल ने मटर के पौधे पर, तो उसमें मटर के पौधे पर इसलिए की थी, अभी वहीं चल पड़ेंगे हम सीधा, कि एक और कर लेते हैं, एक और पूछा जा सकता है आपके, थोड़ा सा हाई लेवल का पूछना चाहे तो। तो डीएनए के बारे में हम जान लिया, आरएनए के बारे में, आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये और हम थोड़ा देख ले क्या होता है आरएनए। जो आरएनए है, आरएनए बस इतना जानना है, एडिनिन और थायमिन आपस में जुड़े हैं, गुआनिन और साइटोसिन है, बस जो आरएनए है इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, बस इतना है। यहां पर क्या आ जाता है, जो थायमिन है आरएनए में, थायमिन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल, इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल यू से नोट करते हैं, यूरेसिल आ जाता है, बस इसमें आपको आरएनए में केवल इतना ही जानना है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, ठीक है भाई, इतना ध्यान करना है। ठीक है, और इसमें कोई अलग नहीं है। पेपर में किस तरह से पूछा जाएगा एक बार थोड़ा बता दूं मैं, यदि पूछ लिया जाए तो कम चांस है, लेकिन फिर भी मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता कि जो करें तैयारी तो बेहतर हो, कुछ कोई भी पॉइंट छूटे ना। देखो यहां पर कैसे पूछा जाता है, कई बार यदि पेपर में पूछे डीएनए व आरएनए भिन्न है, अलग है, वो किस कारण से है वो देख लेते हैं। ए ऑप्शन में मिलेगा एडिनिन, बी ऑप्शन में मिल गया गुआनिन, सी ऑप्शन में मिल गया साइटोसिन, ठीक है, डी ऑप्शन में मिल गया थायमिन, तो क्या आएगा, तो नॉर्मल सी बात है, तो हमारा या तो मिलेगा ऑप्शन में थायमिन
या मिलेगा ऑप्शन में यूरेसिल, या क्या मिले, क्या मिलेगा यूरेसिल, तो ये ध्यान रखना है। तो हमारा थायमीन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, और इसलिए हमारा डी आंसर सही रहेगा, क्या रहेगा डी। अब हम जो बात करते हैं आगे जो ग्रेगर जोन मेंडल की, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने आनुवांशिकी, आनुवांशिकी के लिए, जेनेटिक्स के लिए, आनुवांशिकी के लिए, जेनेटिक्स के लिए मटर के पौधे पर अनुसंधान किया, के लिए किस पर अनुसंधान किया, मटर के पौधे पर अनुसंधान किया, मटर के पौधे पर अनुसंधान किया, मटर के पौधे पर अनुसंधान किया, अनुसंधान किया, ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है, अनुसंधान किया, दोबारा बता दिया मैंने। और इन्होंने इन्होंने इसलिए किया क्योंकि, क्योंकि सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि मटर में, मटर में, मटर में स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, क्योंकि मटर में स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, पाई जाती है। तो प्रागण क्रिया पाई जाती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ग्रेगर जोन मेंडल के बारे में। फिर हम बात करते हैं आगे भी ग्रेगर जोन मेंडल के बारे में जानेंगे हम, तो ये हम देखते हैं यहां पर, यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर प्रागण क्या होता है, पोलिनेशन, और पोलिनेशन के जो प्रकार है वो एक होता है स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है परपरागण, 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 उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, समझ लो। फिर उसके बाद में ग्रेगर जोन मेंडल के पॉइंट है हमारे, जो क्या क्या था मामला ग्रेगर जोन मेंडल का, वो भी हम जानना है। देखो बात देखोगे परागण की, पोलिनेशन की बात देखोगे, पोलिनेशन है क्या, पहले तो ये भी जानना है। देखो कोई भी जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसके ऊपर होते हैं परागकण, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, और जो वो तो होते हैं नर, क्या होते हैं नर, नर युग्मक बोलते हैं उसको, मेल गैमेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स, और जो ओवरी होती है, ओवरी, अंडाशय, अंडाशय होती है फीमेल गैमेट्स, अंडाशय क्या होती है, फीमेल गैमेट्स। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, वो तो हम सारा फूल में पढ़ लेंगे, फूल जब होगा तो, ये थोड़ा सा नॉर्मल पॉइंट ये जानना है आपको, जो मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स, ये थोड़ा सा बेसिक जान लो, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नर युग्मक, नर युग्मक है मेल गैमेट्स का ही हिस्सा, कौन है हिस्सा, क्या है, प्राग, पोलन ग्रेन्स है, परागकण है, परागकण, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप देखो पोलन ग्रेन्स के बारे में पता चल गया, एक इसी तरह से मैंने बताया फीमेल गैमेट्स भी होता है, फीमेल गैमेट्स के कई अंग है, वो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वो फूल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर केवल आपको ये जानना है जो फीमेल गैमेट्स में क्या बोलते हैं इसको, मादा युग्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मादा युग्मक, जो मादा युग्मक है वो क्या है, ओवरी, क्या है, ओवरी, ओवरी मींस क्या है, अंडाशय होता है, ये मादा में होता है, मतलब फूलों में होता है ये, ठीक है, हमने नर वगैरह के बारे में तो, मानव के बारे में तो जान लिया था, लेकिन यहां पर मादा मतलब फूलों में, फूलों में भी क्या होते हैं, नर व मादा होते हैं, जैसे पपीता है, पपीते के लिए जोड़ा बोला जाता है कि जोड़ा लगाना, अकेला मत लगाना, ठीक है, ताकि उसमें परपरागण होता है, इसलिए। तो हम देखते हैं परागकण का मतलब क्या है, सीधा अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि
परागकण का, फूल के परागकण का ऐसे कर लेते हैं, फूल में परागकण का, फूल में परागकण का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन्स का, परागकण का अंडाशय तक पहुंचना, अंडाशय तक पहुंचना, तक पहुंचना, पहुंचना परागकण कहलाता है, परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। और उसके बाद में प्राग अंडाशय तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद में जो परागकण है, पोलन ग्रेन्स है और ओवरी के अंदर है, तो उसमें फिर वहां पर निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद में क्या बने, फिर हमारा फल बनेगा, वो हम आगे देखेंगे कैसे फल बनता है, वो आगे देखना, यहाँ पर सिंपल देख रहे हैं, ठीक है। स्वपरागण क्या है, स्वपरागण है मतलब एक ही पौधे के फूल के परागकण, उसी पौधे के उसी फूल या दूसरे फूल के मतलब उसी पौधे के दूसरे फूल पर, ठीक है, उसी पौधे के दूसरे फूल पर, यह ध्यान रखा, उसी फूल या दूसरे फूल के दूसरे फूल के अंडाशय तक पहुंचना, ओरी तक पहुंचना, अंडाशय ओरी तक पहुंचना, तक पहुंचना, वो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। मतलब एक पौधे में ही निषेचन हो गया, एक ही पौधे के फूल के परागकण उसी पौधे के उसी फूल या दूसरे फूल, ये ध्यान रखना, दूसरे फूल का मतलब उसी पौधे के, ठीक है, उसी पौधे के, ये ध्यान रखना है, उसी पौधे के दूसरे फूल के अंडाशय तक पहुंचना, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी स्वपरागण। मतलब अकेला पौधा भी जनन कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने मटर लगाया, मटर में क्या होती है, स्वपरागण की क्रिया होती है, क्या होती है, स्वपरागण की क्रिया होती है, तो अकेला पौधा भी जनन कर सकता है। अकेला पौधा लगा दिया आपने गमले में तो मटर लगेंगे, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर परपरागण में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, तो एक ही पौधे के या हम ये कहें एक पौधे के ऐसे आएगा, एक ही पौधे के नहीं, एक पौधे के ऐसे आएगा, एक पौधे के फूल के परागकण दूसरे पौधे, परागकण मींस क्या है, ये ध्यान रखना, पोलन ग्रेन्स है, लिख देता हूं मैं इंग्लिश में, अभी आप कंफ्यूज हो जाओ, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, एक पौधे के फूल के परागकण का दूसरे पौधे के फूल के अंडाशय तक पहुंचना, ओवरी तक पहुंचना, ठीक है, एक पौधे के फूल के परागकण का दूसरे पौधे के फूल के अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाएगा, परपरागण कहलाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस से ही समझ आना चाहिए, क्रॉसिंग होगी, तो आपने देखा होगा संकरण बोलते हैं क्रॉसिंग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग का मीन्स क्या है, एक जैसे हम बोलते हैं कि पशुओं में क्रॉसिंग की जाती है, तो क्रॉसिंग का मतलब है दूसरे के साथ में निषेचन होगा, तो इसी तरह से यहां पर भी हमारा क्या है, एक पौधे के फूल के परागकण का दूसरे पौधे के फूल के अंडाशय तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है हमारा, परपरागण कहलाता है, स्वपरागण था और ये परपरागण था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे दूसरी क्लास में, हम जेनेटिक्स की दूसरी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे, ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।